हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआर रिजोल्यूशन। आज की वीडियो में हम बिलरुबिन टेस्ट के बारे में डिटेल से जानेंगे। बिलरुबिन टेस्ट क्या होता है, इसकी रिपोर्ट हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, या फिर बिलरुबिन हाई होने के क्या कारण होते हैं, या बिलरुबिन अगर हमारी बॉडी में लो है तो उसके क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि बिलरुबिन क्या होता है। तो बिलरुबिन जो है एक येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है, जो कि हमारी रेड ब्लड सेल्स ब्रेक होने पर प्रोड्यूस होता है। मींस जो हीमोग्लोबिन होती है वो जब ब्रेक होती है तो हमारी बॉडी से जो है पिगमेंट या ब्लड से जो है पिगमेंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और अगर यह हमारी बॉडी में ब्रेकडाउन होने पे हाई होता है तो उसके कारण हिमोलिटिक अनीमिया, स्किल सेल्स अनीमिया, थैलेसीमिया हो सकती है। तो सबसे पहले अब हम यह जान लेते हैं कि बिलरुबिन हाई होने के कारण क्या क्या होते हैं। तो बिलरुबिन हाई होने का पहला कारण यह हो सकता है, पेशेंट को जो है हिमोलिसिस हो सकता है। हिमोलिसिस क्या होता है, तो अगर हमारी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा तादाद में रेड ब्लड सेल्स जो है वह बन रही है और ब्रेक डाउन हो रही है, मीन्स जो रेड ब्लड सेल्स है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक डाउन हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारी बॉडी में बिलरुबिन का लेवल जो है वो हाई लेवल में पाया जाएगा, जिसके कारण हो सकते हैं हिमोलिटिक अनीमिया, स्किल सेल्स अनीमिया, थैलेसीमिया जो है हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज़ है तो उस कंडीशन में भी जो है आपका बिलरुबिन हाई देखने को मिल सकता है। लीवर डिजीज़ क्या क्या होती है, हेपेटाइटिस हो सकता है, क्रियोसिस हो सकता है, गिलब्रेटेड सिंड्रोम हो सकता है, और इसके अलावा बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब जो हमारी बाइल डक्ट होती है हमारे शरीर में उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी जो है पेशेंट की बॉडी में बिलरुबिन जो है वो हाई देखने को मिल सकता है। मींस अगर पेशेंट को गॉल ब्लैडर स्टोन है तो उस कंडीशन में बिलरुबिन हाई देखने को मिल सकता है, या फिर पैनक्रियाटिक कैंसर है, मीन्स अगर किसी मेल्स में जो है पैनक्रियास जो होता है उसको उससे रिलेटेड कैंसर है, पैनक्रियास कैंसर है, तो उस कंडीशन में बिलरुबिन हाई देखने को मिल सकता है। और मेडिकेशन एंड टॉक्सिन, मीन्स अगर किसी पेशेंट की मेडिसिन चल रही है किसी चीज़ को लेकर, तो फिर उस कंडीशन में भी जो है लीवर से रिलेटेड मेडिसिन चल रही है या बीपी वगैरह हार्ट की मेडिसिन चल रही है, तो उस कंडीशन में जो है बिलरुबिन हाई देखने को मिल सकता है। और न्यू बॉर्न बेबीज़ में अगर जॉइंटिस की दिक्कत होती है, पीलिया है किसी बच्चे को, तो उस कंडीशन में जो है बिलरुबिन हाई देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी की बॉडी में बिलरुबिन जो है वो लो है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन एंड मेलोबोस्ट्रप्शन की कंडीशन में जो है आपकी बॉडी में लो बिलरुबिन देखने को मिल सकता है, कंजेंटल डिसऑर्डर की कंडीशन में, लीवर डेंस फंक्शन की कंडीशन में या मेडिकेशन की कंडीशन में, हिमोलिटिक अनीमिया की कंडीशन में जो है आपकी बॉडी में लो बिलरुबिन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हार्मोन्स डिसबैलेंस है तो भी आपकी बॉडी में बिलरुबिन लो देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें सिम्टम्स, बिलरुबिन जो है टेस्ट डॉक्टर आपको करवाने के लिए बोलते हैं किस कंडीशन में, या क्या क्या सिम्टम्स अगर आपको आपकी बॉडी में दिख रहे हैं तो आपको बिलरुबिन टेस्ट कराना चाहिए। जॉइंडिस है अगर किसी को, पेट दर्द हो, जॉइंडिस मींस होता है आँखें पीली पीली दिखना, आँखें नेल्स वगैरह पीले दिखना, तो उस कंडीशन में जो है जॉइंडिस हो सकता है, तो बिलरुबिन टेस्ट आपका कराया जाता है। अबडामन पेन होने पर, नोजिया वॉमिटिंग होने पर, फैटिग एंड वीकनेस की कंडीशन में, यूरिन जो है वो डार्क येल्लो आने पर एंड लाइट कलर्ड स्टूल आने पर, इचिंग होने पर, या फिर इनलार्ज लीवर और स्प्लाइन के केस में भी जो है आपको बिलरुबिन टेस्ट कराने की डॉक्टर सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री चल रही है पीलिया जॉइंटिस वगैरह की, तो उस कंडीशन में आपका बिलरुबिन टेस्ट कराने की डॉक्टर सलाह देते हैं। अब हम बात करें बिलरुबिन टेस्ट जो कराते हैं उसमें क्या क्या रिपोर्ट्स में कौन कौन से पैरामीटर दिए जाते हैं। तो एक दिया जाता है टोटल बिलरुबिन, जिसमें आपका कंजक्टिव और नॉन अनकंजक्टिव बिलरुबिन दोनों ही दिए जाते हैं। इसमें होता है एक कंजक्टिव बिलरुबिन, जिसे डायरेक्ट बिलरुबिन भी कहा जाता है। जब हमारी आरबीसी ब्रेक डाउन होती है तो वह एक पिगमेंट येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट रिलीज़ करती है, जिसे बिलरुबिन कहा जाता है, जो कि बाद में एक्सिस्टिंग होकर हमारे लीवर में फंक्शनल करता है। लीवर और
बिलरुबिन ट्रैक्ट जो होती हैं उनसे फंक्शनल होता है। बिलरुबिन जो है मींस लीवर से फंक्शनल होकर एक्सक्रीट होकर बिलरुबिन पास आउट होके निकलता है। तो जो अच्छा बिलरुबिन निकलता है मींस तो उसको डायरेक्ट बिलरुबिन कहा जाता है। जो बिलरुबिन रह जाते हैं वह हमारे इनडायरेक्ट बिलरुबिन कहलाते हैं या अनकंजक्टिव बिलरुबिन कहलाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें नॉर्मल रेंज की तो अडल्ट में चाइल्ड्स में सब में अलग अलग बिलरुबिन की मात्रा होती है। अगर हम टोटल बिलरुबिन की बात करें तो वो नॉर्मली अडल्ट में जो है 1.2 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर जो है से कम जो है अडल्ट में देखी जाती है, और न्यूबॉर्न बेबीज़ में ये 5 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर जो है देखी जाती है। और डायरेक्ट बिलरुबिन की बात करें तो वो अडल्ट में 0.3 से कम मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर जो है अडल्ट में देखी जाती है, और न्यूबॉर्न बेबीज़ में यह लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर देखी जाती है। और अगर हम इनडायरेक्ट बिलरुबिन की बात करें तो फिर यह जो है वैसे नॉर्मली हमारा टोटल बिलरुबिन माइनस डायरेक्ट बिलरुबिन करके हम कैलकुलेट करते हैं, और यह ज़्यादातर तो जो है लेस देन 1 मिलीग्राम पर डेसिमल लीटर जो है अडल्ट में देखी जाती है। अब हम बात करें कि जो इनडायरेक्ट बिलरुबिन अगर हाई होता है तो उसे प्रे हेपेटाइटिक जॉन्डिस कहा जाता है। अगर डायरेक्ट बिलरुबिन हाई होता है तो उसको हेपेटाइटिक जॉन्डिस कहा जाता है, और अगर आपका टोटल बिलरुबिन हाई होता है तो उसे प्रे हेपेटाइटिक जॉन्डिस और पोस्ट हेपेटाइटिक जॉन्डिस कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।